सारे मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाल मेरे कैबिनेट कलीग लालचंद कटारू चक जी, हरचंद बरसठ जी, साढ़े सारे पार्टी के अहदेदार साहबान, अज बहुत ही मैं समझता अच्छा दिन आ कि जदों अज साढ़े बड़े सत्कारयोग रशपाल राजू जी ने लंबा अरसा बहुजन समाज पार्टी में रह के बतौर सूबा प्रधान लगातार लोगों के विचरे एक बहुत बड़ा नाम आ। खास करके जो मैं दुआबे की गल करा, दुआबे के अंदर पहला उन्होंने सर्विस करद्या नौकरी करद्या सेवावान नमाइया, उस तो बाद समाज के अंदर अगे आके बधे और बहुजन समाज पार्टी पंजाब इकाई के प्रधान बने और लंबा अरसा लगातार लोगों की सेवा की। और 2019 दी जिहड़ियां पार्लीमेंट दे चोणां सी वह भी रशपाल राजू जी की अगवाई के अधीन बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब च रलियां। सो मैं समझदा अज एक बहुत ही सत्कारयोग साथी साडे विच श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कौमी प्रधान, दिल्ली के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी, दी नीतियों तो प्रभावित होकर सरकार के कामों तो प्रभावित होकर अज उन्होंने आम आदमी पार्टी शामिल होए ने गे। सो मैं उन्होंने सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों, अरविंद केजरीवाल जी वालों दिलों स्वागत कर दाँगा, जी आए आखदा गा। और इस दे नाल आम आदमी पार्टी का परिवार जिहड़ा वो लगातार जिथे पंजाब च बढ़ रहा पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, लगातार बीजेपी दियां लोक मारू नीतियां का विरोध करन दे लई तानाशाही जिहड़ियां नीतियां ने उन्हां दा विरोध करन दा लोगों ने मन बनाया गा। और सारे लोग अज आम आदमी पार्टी शामिल होने, मैं उन्हां दा स्वागत कर दाँगा। उन्होंने बहुत सारे साथी जिन्हें भी उन्होंने साथी जोड़े जिन्होंने उन्होंने काम किया गा, वो सारे दर्जा ब दर्जा जिन्हें भी साथी शामिल हुए ने उन्हों का भी मैं बहुत स्वागत कर दाँगा। इस तरह सरदार मेला सिंह जी जिड़े कि CPM के बड़े उगे आगू ने, जिन्हें लंबा अरसा CPM के अपना कामकार किया, लगातार फिलौर हल्के तो लोगों की सेवा की। और रुड़का पिंड जोड़ा गा वो सब तो बड़ा पिंड है उस हल्के का, उत्थे दे सरपंच रहे, उन्होंने साथी सरपंच रहे, अज वो CPM नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे हैं। सो मैं उन्हों का भी अरविंद केजरीवाल जी वालों, सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों बहुत बहुत स्वागत कर दाँगा। और साड़ी पार्टी का एक परिवार हैगा और साढ़े परिवार च वाधा हो रहा है। सो अज का इस जिहड़ा ज्वाइन हैगा इस गल का सबूत आ कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो जलंधर दी बायपोल जिहड़ी आ एक बड़े मार्जन दे नाल जित प्राप्त करेगी। और जिहड़ा सिस्टम देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री साहब ने चलाया कि अपोजिशन दीआं पार्टियां नूं कल्ली कल्ली नूं निशाना बना के, लीडरां नूं निशाना बना के कदे ED दा कदे CB दा दुरुपयोग हुंदा गा, उहदे खिलाफ मैं समझदा देश दे अंदर एक बहुत वड्डा माहौल खड़ा हो रहा। और बायपाल जिहड़ी अज दी इलैक्शन आ बायपोल इस गल दा सबूत होऊ कि मोदी साहब दीआं नीतियां नूं लोक नकारनगे और आम आदमी पार्टी दी जित दा झंडा लहराउणगे। सो हुण मैं साडे साथी मैं लालचंद जी नूं कहूंगा कि कामरेड साहब दे फॉर्मली जो मैं बेनती करूंगा रशपाल राजू जी नूं चीमा साहब ज्वाइन कराउणगे, कटारू चक साहब अग्गे आ जाणगे। नाल ही मैं बेनती करूंगा साहब सुच्चा सिंह मान जिहड़े जन सैकटरी ने, साहब मेला सिंह का हो गया, सरदार अमरीक सिंह निजर साहब जी अगे आओ सैटे हुई मोहन लाल रामगढ़िया जी आओ, मोहन लाल नाल हरभजन सिंह कलेर साहब दलवीर सिंह राजू जी, कुलदीप सिंह जी, बैठ दो हम आ जाओ।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच अज साढ़े पंजाब दे वित्त मंत्री और इस जिमनी चोन दे इंचार्ज हरपाल सिंह चीमा जी नाल उन्हां दे साढ़े मंत्री साहब लाल चंद कटारू चक जी सारे साथी इत्थे बैठे ने। अज तुहानू दसना चाहुंदे आ कि भगवंत मान साहब दे जो लोकां प्रति कीते चंगे काम ने उन्हां तों प्रभावित हो के सारे पंजाब दे विच्चों वड्डी भारी गिणती दे विच लोक आम आदमी पार्टी विच शामिल हो रहे ने। तुसीं देखिआ पिछले डेढ़ महीने तों किन्नियां पंचायतां किन्ने पंच किन्ने सरपंच किन्ने कोऑपरेटिव सोसाइटियां दे प्रधान और किन्ने समाजिक जथेबंदियां दे आगू आम आदमी पार्टी विच शामिल होए ने और उन्होंने सारिआं ने आम आदमी पार्टी की इस चोण मुहिम नूं बहुत वड्डा हुंगारा दित्ता है। मैं थोनू पहला भी दसदा रहना कि साढ़े को हज़ारां होर लोगों की लिस्ट है जिहड़े केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब की सरकार वालों किए जा रहे चंगे कामों तो प्रभावित होए ने। उहदे विच चाहे 300 यूनिट सारे परिवारों नूं बिजली की माफ़ी है, चाहे नौजवानों नूं रुजगार देने का मामला, जां साढ़े वधिया स्कूल मुहल्ला क्लीनिक बनाउण का मामला और होर बहुत सारिया गल्लां जिन्हों तो प्रभावित हो के पंजाब के वख वख पार्टियां दे संस्थावां दे आगू साडे विच शामिल हो रहे ने। अज थोनू मैं बहुत ही खुशी नाल दसना चाहुंदा कि अज साडे नाल सरदार रशपाल सिंह जी राजू जिहड़े BSP दे साबका प्रधान रहे ने वह इहदे विच आम आदमी पार्टी विच शामिल हो रहे ने अते उहनां दे नाल सरदार सुच्चा सिंह मान जनरल सकत्तर वह भी शामिल हो रहे ने, अमरीक सिंह निज्जर सेंट्रल जलंधर तो वह भी शामिल हो रहे ने, मोहन सिंह मोहन लाल रामगढ़िया जी, हरभजन सिंह कलेर जी, दलबीर सिंह राजू जी यूथ आगू, कुलदीप सिंह जी, सुभाष चंद्र जी, गुरजीत सिंह जी नंगल खुरद तो, सुनील कुमार यूथ आगू हरमेश लाल फतेहपुर तो, धर्मपाल जी, दविंदर सिंह जी, गुरदीप जी, साहल कंगड़ जी, बॉबी शाह जी, अमनदीप सिंह जी, मनीष कुमार जी, दीपक बॉबी जलंधर तो, अजय प्रताप सिंह जलंधर तो, अते नाल ही बहुत बड़ा पिंड है फलौर हल्के का रुड़का उत्थों दे साबका सरपंच सरदार मेला सिंह जी वो भी अज अकाली दल नूं छड्ड के कांग्रेस नूं छड्ड के साडे बहुत सारे CPM नूं छड्ड के जिहड़े पहला CPM दे आगू सी वह भी अज साडे नाल शामिल हो रहे ने। मैं साडी पार्टी दे सीनियर आगू साहिबानां नूं सरदार हरपाल सिंह चीमा जी नूं बेनती करूँगा, कटारू चक साहब नूं बेनती करूँगा कि इन्हां सारे साथियों नूं आम आदमी पार्टी विच शामिल करन। पहला चीमा साहब सब का स्वागत करेंगे, उस तों बाद सरोपा पा के सारिआं नूं शामिल किया जाए, पेश कर दिता गया है क्योंकि नवे तत्त सामने आए थे जिहदे करके ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 7,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਾ ਲਗਭਗ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, UP ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ
कांग्रेस पार्टी ने पंजाब गैंगस्टरां दी पनीरी तैयार की, गैंगस्टरां नूं अगे लैके जाण दा काम उस समय की सरकार ने किया कि पंजाब भी गैंगस्टरवाद नूं लिआंदा जाए। उस तो पहले यही काम श्रोमणी अकाली दल बीजेपी वाले करते सी, पर लेकिन असी एंटी गैंगस्टर फोर्स बना के पंजाब चो गैंगस्टरां दा खात्मा कर रहे हैं। गैंगस्टर पंजाब चो खत्म होणगे और जिन्हां ने भी ये गलत ऑर्डर पास किए ने उन्हां दे खिलाफ जदों भी अपना सलाह लैके कानूनी सलाह लैके उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई। जांच रिपोर्ट जिहड़ी सीएम ऑफिस पेश कर दित्ती गई है, क्योंकि 2019 तो लैके 2021 तक जदों कैप्टन साहब सीगे, मुख्यमंत्री सी, चेयरमंत्री सुखजिंदर रंधावा सीगे, सिर्फ पुलिस वालियां दा नाम है उहदे विच, किसे मंत्री या नेता दा नाम नहीं। देखो मैं रिपोर्ट पढ़ी नहीं, रिपोर्ट पढ़ने तो बाद मैं कमेंट कर सकता, पर लेकिन जिन्होंने भी कानून तोड़िया उहदे खिलाफ कार्रवाई। अकाली दल अपनी सारियां रैलियां च ना आम आदमी पार्टी नूं दो मुद्दे ते एक ते कहिंदे डिप्टी सीएम दलित बनाना सी नहीं बनाया, दूसरा हजार रुपये नहीं दित्ता, इस मामले च की कहना चाहते हो? तुसीं उन्हां नूं जरूर पुछो कि तुसीं 10 साल पंजाब च राज कीता, पंजाब च चिट्टे दा प्रसार कीता, पंजाब नूं बर्बादी वल लैके गए। सब तो बाद गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां श्रोमणी अकाली दल बीजेपी दे राज समय च होईयां, पंजाब दे नौजवानां दे खिलाफ साजिशां अकाली दल ने रचियां, साडी सरकार ने जिहड़ियां गरंटियां लोगों दियां पूरियां कीतियां नेगियां, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि उन्हां दा धन्नवाद भी करो, जिहड़ियां गरंटियां 300 यूनिट तुहाडे घरां दे भी माफ होए नेगे, अकाली दल दे घरां दे भी माफ होए 300 यूनिट, और जे स्कूल ऑफ एमिनेंस उन्हां पिंडां च भी बन गए जिथे अकाली दल दे लोक रहिंदे नेगे, महला क्लिनिक उत्थे भी बन गए बन रहे नेगे जिथे अकाली दल वाले रहिंदे नेगे। सो बिल्कुल सारियां गरंटियां की करके पूरियां करदे ने, सानू 5 साल लई मैंडेट दित्ता गा पंजाब दे लोकां ने, पहले साल ही सारियां गरंटियां सी, बहुत सारियां गरंटियां पूरियां कीतियां, जिहड़ी रह गई उह भी करांगे। जिहड़ा मोरिंडे दे विच घटना वापरी आ उहदी मैं सख्त शब्दां च निखेधी करदांगा, उहदी निंदा करदांगा, बिल्कुल इक दोषी जिहड़ा फड़िया गया गा और उहदी जांच जिहड़ी चल रही आ बहुत जल्दी जांच मुकम्मल हो जाणी आ, और बहुत जल्दी जिहड़ा उह चलान पेश होणा, दोषियां नूं सज़ा दवा के रहांगे। साडा काम असीं इहनां वांगू इह नहीं कि 2015 च गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी होई अकाली दल वाले चुप करके बैठे रहे, 2 साल इन्हां दी सरकार रही कोई भी चलान नहीं पेश कीता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस पार्टी का राज 5 साल रहा, एक भी कार्रवाई 5 साल कांग्रेस पार्टी ने की, साडी सरकार आई है 1 साल के दौरान जिन्होंने बेअदबी की दोषियों के उन्होंने खिलाफ चलान पेश हो चुके हैं, जिन्होंने कल मोरिंडा च बेअदबी की उन्होंने बिल्कुल सख्त सजावां देवे। देखो वो सारा कानूनी साडी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।